का बहुत बहुत स्वागत है एक और फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है अंकुर आनंद और आप देख रहे हैं मेरा फिजिक्स बीस चैनल। कुछ दिन पहले कुछ चैनल को लेके कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, किसी ने शायद से पासवर्ड चेंज कर दिया था, ओटीपी के थ्रू रिट्रीव हो गया, कुछ दिनों से वीडियो नहीं आया, आई एम वेरी सॉरी। और कुछ हरकत की उसने कुछ वीडियोज़ डिलीट भी कर दिए, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ बनाए थे जो स्पोर्ट्स एडमिशन से रिलेटेड थे। दोबारा मेहनत करने का समय मिला तो मैं डेफिनेटली दोबारा ज़रूर से बनाऊंगा, ज़्यादा आगे आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। और अभी के लिए मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए इसलिए आया हूँ कि 7th कट ऑफ तक का काम खत्म हो चुका है। मोस्ट प्रोबेबली कल तक मैं आपको पूरा सिनेरियो अपडेट कर दूंगा कि कितना किस तरह का जो है रिस्पॉन्स ओवरऑल रहा। और इसके अलावा बच्चों इंपॉर्टेंट और खुशखबरी कुछ बच्चों के लिए जो शायद 8th कट ऑफ का वेट कर रहे थे, तो हाँ बच्चों 8th कट ऑफ आएगी और डेफिनेटली से आनी ही है। और क्योंकि अभी भी कई कॉलेजेस में सीट्स जो है खाली हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बात की पूरी उम्मीद लगाई जा रही थी और लगाई गई है। और उम्मीद रखिए कि हाँ यस 8th कट ऑफ आ रही है, तो कल शाम तक जो है कट ऑफ आ जाएगी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर, शायद से संडे को आ जाएगी। बट कल शाम तक जो है आपको जो है टाइम्स ऑफ इंडिया और ये जो आपको न्यूज़ चैनल्स के जो अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं, न्यूज़ की जो वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर आपको जो है हर बार की तरह एक दिन पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि जो है वो जनरली सबके लिए डिक्लेयर हो जाती है। बट हाँ ऑफिशियली जो CBSE और जो ऑफिशियली आपकी DU की, आई एम सॉरी, वेबसाइट जो है DU की वेबसाइट है DU.ac.in, उसके ऊपर भी जो है इन्फॉर्मेशन है वो आपकी अपलोड हो जाएगी मोस्ट प्रोबेबली संडे तक। और मंडे से सेम प्रोसेस रहेगा एडमिशन का, वही 3 दिन का एडमिशन प्रोसीजर होता है। अब 3 दिन का होगा या 2 दिन का होगा वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, उसका अपडेट जैसे भी होगा वो मोस्ट प्रोबेबली संडे को आ ही जाएगा, मतलब उम्मीद है संडे तक आ ही जाएगा। और अब जो वीडियोस डिलीट हो गए हैं उसका गम करने से तो कुछ फ़ायदा है नहीं कि वो गई तो गई, अब क्या ही कर सकते थे। लेकिन मेरा जो था वो पूरा का पूरा जो ख़राब हो गया, मुझे लगा कि शायद वो जो है क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया एक्चुअली चैनल के ऊपर। बट बाय द वे कुछ बीच में कुछ बातें और इंपॉर्टेंट अपडेट और दे दूँ, कुछ बच्चे मास्टर्स को लेके भी बात कर रहे थे कि मास्टर्स के लिए भी जो है अभी नहीं आई है। तो बच्चों अभी ना कुछ भी जो है वो क्लैरिफिकेशन नहीं आया है CBSE यूनिवर्सिटी की साइड से भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया। अब CBSE निकल रहा है बार बार मुँह से क्योंकि CBSE, इसलिए क्योंकि आज सुबह से कुछ बातें चल रही थी वो रमेश पोखरियाल को लेके जो कल के उसमें जो हुआ है, लेकिन वो भी बहुत ही डाइसी सा चल रहा है, उनके पास किसी चीज़ का जवाब ही नहीं है हर बार की तरह। और बच्चों का जो पूरा करियर है वो दांव पे लगा हुआ है। CBSE की भी अगर मार्क्स, अगर देखिए मेरा जो पर्सनली बिलीव है वो ये है कि CBSE के एग्जाम्स को डिले होने का जो बेसिक जो रीज़न रहेगा वो ये रहेगा क्योंकि अभी JEE का एग्जाम भी पोस्टपोन हो रहा है। तो अगर JEE का एग्जाम पोस्टपोन होगा तो डेफिनेटली से आगे जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स है वो आगे पोस्टपोन होंगे, बच्चे स्कूल गए नहीं हैं और उनके प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी होने हैं। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो का बेस अगर देखा जाए तो वो तो OBE यानी कि ओपन बुक एग्जाम जो है करवा रहा है सेकेंड ईयर के और थर्ड ईयर के बच्चों के, और फर्स्ट ईयर के बच्चों के तो अभी क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो वो अभी, लेकिन वो भी आगे के लिए तैयार रहे क्योंकि वैक्सीन का अभी क्या सीन बनता है वो भी कुछ अभी इतना अच्छे से पक्का नहीं है। तो ये वाला सेमेस्टर तो अभी ऐसे ही जाएगा और अभी कुछ दिन अभी और जो है आपका जो है इस तरीके से चलेगा। लेकिन और थोड़ा सा कुछ डाइसीज आया है, मैं भी समझ रहा हूँ हर बच्चा हर किसी की तरफ से। इसके अलावा आई थिंक मेन बात क्या है कि आप 3-4 नंबर तक का जो जो अगर जो बच्चे वेट कर रहे हैं DU का, वो मुझे पूरी उम्मीद है वो लोग जो है वेट कर सकते हैं। और आई थिंक इसी तरह की कुछ बातें पिछले पूरे एक हफ्ते में रही हैं, इतनी सारी बातें मैंने इसलिए बोल दी एक साथ क्योंकि कुछ दिनों से मैं था नहीं और बहुत सारी बातें जो थी वो हो रही थी एजुकेशन को लेके। तो मैंने कहा अपने 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 DU का तो आपको अपडेट दे ही दूँ, प्लस साथ साथ वो कल वाला CBSE जो जो रमेश पोखरियाल जी का मैं कुछ वो लाइव उनका वेबिनार देख रहा था, वो भी कुछ खास नहीं हुआ, उनकी भी बातों से कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, क्योंकि एजुकेशन मिनिस्टर को कुछ ना कुछ अपनी तरफ से तो स्टैंड लेना पड़ेगा बिकॉज पूरी जो कंट्री है वो वेट कर रही थी उनके इस डिसीजन का कि कुछ बताएंगे, एग्जाम लेट होंगे क्योंकि क्योंकि स्कूल अगर अफेक्ट होगा तो कॉलेज भी अफेक्ट होगा, अल्टीमेटली दोनों कनेक्टेड है। तो समझ नहीं अभी कुछ भी आ रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है शायद से जल्दी ही वो कुछ ना कुछ अच्छे डिसीजन पर पहुँच पाएंगे। और इसी के साथ में कोई और इन्फॉर्मेशन अगर आपको रिक्वायर्ड है इस टाइम पर जब मेरे वीडियोज़ भी डिलीट हो चुके हैं, उसके बाद में भी अगर मुझे लगेगा कि बहुत कुछ ज़रूरी है तो शायद से मैं आपसे जो है कमेंट में आपके साथ इंटरेक्शन के थ्रू कुछ बात कर पाऊंगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा जितना एट द बेस्ट हो सकता होगा मेरी तरफ से, नहीं तो कोई ना कोई डेफिनेटली से कमेंट में आपकी हेल्प जरूर करेगा। बिकॉज एक दूसरे के मैं देखता हूँ कि कई बार जब मैं जवाब नहीं दे पाता तो कई सारे जो मेरे जो साथ में जो बच्चे हैं जो जो मेरे को फॉलो करते हैं वो जवाब दे देते हैं, तो आई थिंक कई बार वो भी अच्छा लगता है देख के, एक अच्छी ऑडियंस होने का यही अच्छी बात होती है कि सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेरा नाम है अंकुर आनंद, बाय।